दरभंगा में 13 मई को चुनाव होना है। प्रत्याशी लोगों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपका विकास करेंगे, साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। सबसे खास बात यह है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। कारण यह है कि सरकार जिस प्रकार से काम काज करती है, सीधे सीधे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। मैंने कई जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, हमें बदलाव चाहिए। कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि महंगाई की ऐसी स्थिति है कि एक शाम खाते हैं तो या सुबह में खाते हैं तो शाम में क्या खाएंगे इसके लिए सोचना पड़ता है, महंगाई चरम सीमा पर है। जब हमने उनसे पूछा कि दरभंगा के जो वर्तमान सांसद हैं उनके संबंध में क्या कहना है तो इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि ये पहले ऐसे सांसद हैं जो 5 वर्षों के बीच में आज तक किसी से मिलने तक नहीं आए। पूर्व के लोग जो है सो मिलने के लिए जरूर आते थे, लेकिन वर्तमान जो सांसद हैं उनको अगर भीड़ में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। सभी ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, बदलाव होना चाहिए। वहीं एक व्यक्ति ने यहां तक कह डाला कि हमें बिजली नहीं चाहिए, हम लालटेन युग में ही जीना चाहते हैं लेकिन महंगाई कम हो। आइए सुनाते हैं इस संबंध में कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया, जो मतदाता हैं किस प्रकार से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। कितने सालों से हम मजदूरी करते हैं? 15-20 साल से कर रहा है। तो 15-20 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ और इस बार जब वोट डालने जाइएगा आप क्या सोच के जाइएगा? जाएंगे कि बदलाव काफी हो चुका है। क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हो गया है कि जैसे रोड नाला खाला दुनिया जितना भी चीज था पहले नहीं था, अब हो चुका है। अच्छा, काफी विकास हुआ है। अच्छा, इस बार जब वोट डालिएगा क्या सोच के डालिएगा? क्या सोच के डालेंगे? जाएंगे कि विकास हुआ है इसके लेकर के डालेंगे। वोट डालने जाइएगा क्या सोच के जाइएगा वोट डालने के लिए? यही सोच कर जाएंगे कि हम लोगों गरीबी दूर होगी। गरीबी आप क्या हिसाब से मजदूरी करते हैं? वही हम 4 साल से मांग करते कि हम तो भर जिंदगी जब तक है या 60 हो या 65 हो या 50 हो जो ही एज हो उतना दूर से हम मजदूरी करते हैं। तो क्या कुछ बदलाव हुआ इतने दिनों में? आप मजदूर के लिए कोई बदलाव नहीं, मजदूर के लिए तो जब नीचे में जा रहा है। तो वोट डालने जाइएगा क्या सोच के जाइएगा? सोच कर क्या जाएंगे, अपना मजदूरी अपना देश हमको मिले, कोई तरह के काम हो सोच कर। अच्छा, वर्तमान में विकास हुआ है? अभी हम लोग के लिए तो कोई विकास नहीं। अच्छा, अभी आपके सांसद कौन है दरभंगा के? दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर है। उनसे आपको भेंट है? कोई भेंट नहीं आज तक। सांसद हैं अभी, उनसे आपकी भेंट है? जी नहीं, कोई नहीं भेंट नहीं। जितने के बाद कोई यह मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिखाने देता है। सांसद जो है यहाँ के उनसे आपको भेंट है? नहीं भेंट है। आप उनको अगर आप इस भीड़ में खड़ा हो जाएंगे आप उनको पहचानिएगा? पहचानबो नहीं करेंगे। नहीं पहचानेंगे तो फिर वोट कैसे डालिएगा? क्या सोच के वोट डालिएगा इस बार? वोट तो वोट करके ये डालेंगे जो विकास वाला को जो है सबको ये इतना है कहता है कि ये फलना आदमी विकास है, वो वोट करके डालेंगे तो विकास चिन्हबो नहीं करते हैं। चिन्हबो नहीं करते हैं, यही सोच के जाएंगे कि हम लोगों का जो है ना कुछ निर्णय बढ़िया निकाले। जो 6,000 रुपया बोले हुआ था हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। महीने का बोला था तब, महीने का बोला था मजदूर का 6,000 रुपये देंगे, कहाँ दिया? कुछ भी नहीं मिला, मजदूरी खत्म हो गया और मजदूरी भी कुछ कम में होते जा रहा है। अच्छा, रोजगार मिल रहा है? बहुत कम, नहीं के बराबर नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं रोजगार, घर में सब भुखले मर रहा है आदमी, सबको क्या करे जनता, सरकार है ना अपने लिए मर रहा है, गरीब के लिए नहीं है, गरीब के लिए चलते नहीं है, सब देखते बैठा हुआ है, सब रोड पर खड़ा है, क्या होगा? ये चलेगा ऐसे में नहीं चलेगा। माहौल देख करके जैसा जो होगा उस हिसाब से अपना मत देना है, जो जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा माने उसको दिया जाएगा। अभी अभी तक आपसे कौन कौन कैंडिडेट मिल चुके हैं? अभी तक कोई नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं? नहीं मिले। 30 रुपये किलो हो गया है, प्याज 40 रुपये होने वाला है, क्या करेगा महंगाई? लालू का राज में 5 रुपये आलू था, अभी 30 रुपये खा रहे हैं, बताइए ना भाई। लालटेन सब बिजली उखाड़ के ले जाए, अपना किलो लेके खाएगा, अभी 1 किलो मिल रहा है।
बताइए ना कैसे गरीबी दूर होगा, वो गरीबी दूर करेगा। पूरा छत्ती घुमा दिया है बिहार में, बोलिए। यदि हम लोग सब गरीब मर रहे हैं, रोड पर धर दिया जनता को, गरीब दिन ब दिन महंगाई बढ़ रहा है, कोई जिसमें देखने वाला ही नहीं है। 40-50 सब्जी कोई कम नहीं है, कोई है सब्जी कदा पानी नहीं है, पहले पानी भी पड़ा है, सब्जी के वही रेट है। तो आपने कई बार मतदान कर चुके होंगे, इस बार जो मतदान करने जाइएगा क्या सोच के जाइएगा? हम सोच के जा रहे हैं कि मैंने सरकार को बदलना है। सरकार को बदलना, अभी के सरकार के संबंध में क्या कहना है आप? अभी सरकार जो है भुखमरी ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत है ज्यादा, 10 वर्ष के अंदर में बहुत बेरोजगारी, रोजगार भी नहीं मिलता, अपना दाना भी नहीं मिलता हक का। तो इस बार वोट डालिएगा क्या सोच कर डालिएगा? क्या सोच के डालेगी? अमीरों खाएगा, गरीब वोट डालेगा, अमीर खाएगा। सरकार मिल रहा है, देखा इतना आदमी बैठ करके समय पार कर रहा है, खाने के अगर सब ठीक रहा है, महंगाई तो आगे इतने बैठ गए कि हद से ज्यादा, और रोज बढ़बे नहीं कर रहे। बदलाव होना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए एक बार। वर्तमान सरकार पूर्ण रूपेण घमंडी हो चुकी है, इसलिए कि 10 वर्षों से लगातार ये चल रहा है। इनको न महंगाई चाहिए, न इनको बेरोजगारी चाहिए, इसी हिसाब कुछ नहीं। और हम लोग का दुर्भाग्य है कि यहाँ के सांसद को एक भी मतदाता पहचानता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। आज तक जो जब से चुनाव हो रहा है, यह पहला सांसद है जो मतदाता इसको पहचानता नहीं है। हम लोग बेरोजगारी के लेकर मतदान करेंगे, हम लोग बेरोजगारी के लेकर मतदान करेंगे। ये सरकार के बदलना अत्यंत जरूरी है, इसलिए कि महंगाई आसमान छू रहा है। हम लोग को यहाँ मजदूरी वगैरह नहीं है, यहाँ प्लान कर रहा है, इसलिए सरकार को हम लोग चेंज करें। लेकिन जो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास लेके हम चलते हैं, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? इसलिए इनकी बदलाव जरूरी है, हम लोग बदलाव चाहते हैं। अरे कहिए, हम बदलाव चाहते हैं देश हित के लिए। ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, ना वो देश के लिए सोचते हैं, ना दुनिया के लिए सोचते हैं, बस वो अंबानी अंडानी के लिए सोचते हैं। और रही बात कि सबका साथ सबका विकास, वो किसी का साथ किसी का विकास नहीं। आने वाले कल के लिए अगर 2024 में अगर जीत गए प्रधानमंत्री, तो अभी कुछ ही बिका है 2024 में जीत जाने के बाद पूरा देश का जितना संविधान का भारतीय सरकारी संस्था है सबको बेच देंगे। इस बार सोच के जाएगा, जो देश का विकास करेगा, जो देश के विषय में सोचेगा, जो देश के विषय से जानेगा, जो हर चीज जाति पाति धर्म उर्म कुछ नहीं देखेगा, एक ही चीज पर जो खड़ा रहेगा उसी के साथ हम साथ देंगे। में जाएंगे क्या बदलाव? सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहिए। हाँ, जैसे श्री राम करने से पेट नहीं भर जाएगा, हमको रोजगार चाहिए। हाँ, हमको बदलाव चाहिए। महंगाई इतना चरण पर है कि कुछ कहने लायक नहीं। 500 रुपया रोज, 400 रुपया रोज कमाते हैं, महंगाई एकदम आसमान में। 5 किलो अनाज फ्री दे देने से पेट भर जाएगा महीना भर। हाँ, यही सोच के हम बदलाव चाहते हैं।